ये 8 के 8 नाम है गाइस, और एक एक करके सब लोग फोड़ेंगे जो। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का नियान की नोकझोंक भरी छोटी सी दुनिया में। तो गाइस, जैसा कि कल आप लोगों को मैंने बोला था कि हम लोग एक गेम खेलने वाले फैमिली के साथ में, और गेम ये होने वाला है गाइस के मतलब फैमिली में जिसने जो जो नाम बोला था, सजेस्ट किया था, हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग वो सारे नाम हम लोग लिख लेवे और सबको मौका दे वो चीज। मतलब गाइस, चलो मैं ठीक है आप लोगों को घर पहुंच के बता रहा, डेकोरेशन दिखा के कि कैसा हम लोग करने वाले। बट गाइस, उससे पहले मैं आ चुका हूं यहां पर नाश्ता करने के लिए, और नौशीन भूखी ने अभी खाना खाई है जस्ट। अरे मां कसम गाइस, ये खा रही है, मजाक कर रही है, खाना जा कर रहा है, मेरे समझ में इसके बदन पे लग तो नहीं रहे। अच्छी बात है, चलो वो भी सही बात है। चल ठीक है, और यहाँ पर गई हमारी आइजल बेचारी, तबीयत सही भी इसकी है थोड़ी अभी। चल अच्छा, आइजल आइजल आइजल, अच्छा सॉरी 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 गाइस सॉरी। चलो गाइस नाश्ता करते हैं और फिर मिलते हैं। सो गाइस, फाइनली मेरा नाश्ता हो चुका है, और अब मैं जरा ये लोग से फिर से रिवीजन ले लेता हूँ कि ये लोग ने क्या क्या नाम बोले थे, क्योंकि वहाँ पर जो गेम है वहाँ पे वो नाम ये लोग को काम आने वाले। तुमने क्या नाम बोले थे? छिट्टी ने मेरे को याद है तुमने क्या, तुमने जियान बोले थे। चलो तुम्हारा एक जियान, तुम्हारा था जियान, अब्बा का फारिस था, जियान था जियान, और तेरा था नौरेस। हाँ, और हाँ मतलब बता रहा हूँ मैं, देखो कि तूने बोली थी, देखो वही फोड़ना है, लेकिन समझी ना, ज्यादा फ्री नहीं होना वहाँ पर। और तेरा था जिलानी, तूने जिलानी बोला ठीक है, और अब्बा का था फारिस। अब वहाँ जाएंगे, वहाँ पर जाके पूछते हैं वहाँ पर उन्होंने क्या, मतलब सबके नाम मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ ब्लॉग में देख के, अब वहाँ भी जाके लोगों को कन्फर्म बता दूंगा तुम्हारा नाम क्या क्या, वहाँ पता चला कि उन्होंने असली नाम फोड़ दिया जो नाम नहीं फोड़ना था। तो वहाँ जाके देखते अभी क्या सीन है। सो गाइस, फाइनली मैं आ चुका हूँ निदा के घर पे, और यहाँ पर आके मैं पहले सबको बता दूँ कि हम लोग आज क्या करने वाले। तो आंटी शायद आपको नहीं पता होगा क्योंकि आप रात में जल्दी सो गए थे, तो हम लोग आज नेम रिवीलिंग का गेम खेलने वाले, जो कि आप लोगों को हम लोगों ने कल नहीं बताया कि बीबी का नाम क्या है। तो आज हम लोग सोचे कि आज हम लोग गेम खेलेंगे सबके साथ में, मतलब पूरी फैमिली को आज रिवील करेंगे, मतलब हमारी YouTube फैमिली को भी और हमारी खुद की फैमिली को भी गाइस। तो आंटी ऐसा रहेगा, हाँ तो आज मालूम पड़ेगा कि बच्चे का नाम क्या है। गेम ऐसा रहेगा कि आप लोग, आपको याद है ना आपने क्या नाम सजेस्ट किए थे, मेरे को याद है आपने आमिर बोले थे, मेरे को याद है। तो आपको जाके आमिर के नाम का फुग्गा फोड़ना पड़ेगा, समझे, मतलब ऐसा, मतलब आज बहुत सारे फुग्गे जी 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 हाँ हाँ। तो गाइस गेम ऐसा है कि हम लोग ना गाइस 8 फुग्गे लगाएंगे, ठीक है, हमारी फैमिली में 8 लोग हैं, तो हम लोग 8 फुग्गे लगाएंगे, और सबने जिसने 9 है। हाँ अरे हाँ हाँ हाँ, जगह ही नहीं है, कुछ रैली के लिए हम लोग नाम लिख देंगे। अरे मेरा फुग्गा फोड़ देने बोल रहा, चलो अपन दोनों एक फुग्गा फोड़ देंगे, ठीक है। तो गाइस देखो, गेम ऐसा रहेगा कि हम लोग ना गाइस 8 फुग्गे लगाने वाले बड़े बड़े, ठीक है, और 8 फुग्गों पे 8 अलग अलग नाम रहेंगे, जो कि लोगों ने नाम यहाँ पर सजेस्ट किए थे। उसके बाद में सब लोग जो जो नाम बोले थे वो नाम जाके उसको फोड़ना है। अगर गाइस वो नाम में से कुछ अलग निकलता है, मतलब हट के निकलता है, तो गाइस समझ जाना कि हम लोग वही नाम रखे, और अगर नहीं निकलता है तो मतलब वो नाम नहीं रखे गाइस। तो गेम ऐसा है जो फैमिली वालों को पता चलेगा आज। बोल दो ना, नॉर्मली अंदर हम लोग 2 फीलिंग्स रखने वाले, हाँ। जो नाम नहीं रख रहे उसमें व्हाइट प्लेन फीलिंग्स रहे। अच्छा, अगर व्हाइट कलर का उसके अंदर से टुकड़े निकले, हाँ। कागज के, तो वो नाम नहीं है, ठीक है। अगर थोड़ा अलग कलर का निकला व्हाइट के अलावा, हाँ, तो मतलब तो वो नाम है। तो मतलब आज ही सबको पता चलेगा कि हम लोगों ने किसकी सुन के नाम रखे, समझे। ऑटो में अगर व्हाइट निकला तो फिर हम लोग नया नाम बोलेंगे, हम लोग खुद उड़ाएंगे अपने हाथ से और बोलेंगे गाइस यही नाम है, आपके साथ हुआ है प्रैंक। हाँ, अंकल बता रहे थे नाम, तुम लोग ये सब करना, हाँ, इसके लिए हम नाम नहीं बता रहे थे। तो अंकल बोले कि बताया तेरे को निदा ने, नहीं मेरे को भी नहीं बताया, नहीं बताया, चलो कोई बात नहीं, लोग बताने का, हाँ, ये सरप्राइज जगह थे हम लोगों ने। चलो अच्छा है। और गाइस अंकल ने जो नाम सजेस्ट किए थे वो नाम था हैदर। तो हम लोगों के पास सारे 8 के 8 नाम आ चुके हैं गाइस यहाँ पर। और गाइस ये देखो, यहाँ पे हमारा जो है डेकोरेशन स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पर अलग अलग 8 फुग्गे लगेंगे गाइस, यहाँ पे 4 लगेंगे और यहाँ पे 4 लगेंगे। और गाइस बेचारे अंकल यहाँ पर सो रहे हैं, क्योंकि गाइस एक्सीडेंट के बाद जो बॉडी में पेन होता है, और वो पेन के बाद इतनी मीठी नींद आ गई ना गाइस, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। आप लोगों को पता है रहो, अगर कभी इनकेस अल्लाह ना करे आगे हो या कभी हुआ रहेगा आप लोगों को एक्सीडेंट या पेन वगैरह, तो नींद कितनी आती रहेगी आप लोगों को पता ही है। सो गाइस फाइनली हमारा जो शेर है वो उठने की तैयारी में, और निदा बहुत ज्यादा डर रही है कि इसको मत उठाओ, अगर ये उठ गया कसम से निदा क्या हो जाएगा। एक्चुअली मैंने अभी देख लिया ऑब्जर्व करके, हाँ। मम्मी ने बोले थे कि है ना हर 2 घंटे में दूध पिला, हाँ। वो एकदम गहरी नींद में था इससे पहले, हाँ। तो मैंने उसको उठाई, हाँ। उठ 2 घंटे हो गए भी उठ गया, आप लोगों को बहुत कुछ देखने मिलेगा गाइस, क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं ना अभी गाइस, वो हम लोगों ने हमारी लाइफ में कभी नहीं देखी। और ये जो बच्चा है माशाल्लाह अनोखा बच्चा है गाइस, सीरियसली गाइस, इतनी सी मतलब बच्चे को आके जुमा जुमा 8 दिन नहीं हुआ, और गाइस इतना एटीट्यूड दिखाता है हम लोग को, इतना गुस्सा दिखाता है कि मैं आप लोग को क्या बताऊं गाइस, सीरियसली मैं बता रहा हूँ।
बताऊँ आप लोगों को धीरे 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 जैसे जैसे हम लोग का टाइम बढ़ेगा, जैसे जैसे जब हम रूटीन डालेंगे हमारा निता के साथ में कैसा हो रहा है, निता क्या कर रही है, कितने कितने टाइम पे फीड करना पड़ता है, वो सब कुछ आप लोगों को बताएंगे। बट गाइस उससे पहले हम लोग चाहते हैं कि आप लोग एक चीज कमेंट करके बताओ कि ये जो इतने सारे कपड़े हैं यहाँ पर गाइस, इसका हम लोग व्लॉग बनाए कि नहीं बनाए, कि बेबी को कौन से कपड़े आए और हम लोग कहाँ कहाँ पहनाने वाले और कितने कितनी एज पे बच्चा ये पहन सकता है। बकरे की तरह ही ट्रीट करना अपने को इसके लिए, बोलते हैं बकरा, अब अपने बच्चे को बकरा बोलते हो, अरे नहीं क्या क्या बोलते हो, शर्म आ रही तुम्हारे को। और गाइस हम लोग आप लोगों को सब कुछ बताएंगे, बहुत सारे लोगों के सवाल थे अकीका करना चाहिए, बच्चे का बाल मुंडन करना चाहिए, खतना करनी चाहिए, तो गाइस आप लोगों को हम लोग सब डिटेल में बताएंगे कि हमारी लाइफ में मतलब क्या क्या चल रहा है और बच्चे की लाइफ में क्या चल रहा है जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने हमें कुछ चीजें करने बोले हैं, तो वो आप लोग को बताएंगे धीरे धीरे। बट आप लोग कॉमेंट करके जरूर ये बताना कि हम लोग इसका ब्लॉग बनाए कि नहीं बनाए गिफ्ट ओपनिंग का। तो गाइस ये देखो अंकल बेचारे चल भी नहीं पा रहे, बहुत ज्यादा तकलीफ हो गई है, और लगा भी उस इंसान को जिनको घूमने फिरने का शौक है वो भी पैर में लगा, गाइस अंकल घूम फिर नहीं पा रहे, कितना फ्रस्ट्रेटेड हो गए रहेंगे अंकल, हम लोग को ही पता है। चलो अच्छा है, इंशाल्लाह जल्दी सही हो जाएगा गाइस, हुआ करो दो तीन दिन में इंशाल्लाह हो जाएगा, पैर बदली हो जाएगा इंशाल्लाह, चीते का पैर लगा। सो गाइस यहाँ पर देखो हम लोग बता रहे हैं, इसमें हम लोग भर रहे हैं व्हाइट वाला और ये जो बन रहा है वो अलग से बन रहा है ब्लू वाला, ब्लू और पर्पल गाइस, मतलब जो नाम हम लोगों ने रखे हैं गाइस उसमें से निकलेगा ब्लू कलर और जो नाम नहीं रखेगा इसमें निकलेगा व्हाइट कलर, तो जब वो फुग्गे फूटेंगे तब हमें पता चलेगा कि गाइस कौन सा वाला नाम हम लोगों ने रखे है। फाइनली हमारा जो है वो डेकोरेशन स्टार्ट हो चुका है, सब कुछ फुग्गे वगैरह फूल गए हैं और दो फुग्गे गाइस यहाँ पर लग भी चुके हैं, अब ये फुग्गे सेम दो ऊपर लगेंगे और चार यहाँ पर भी लगेंगे ताकि फोड़ने में आसानी हो गाइस। और गाइस यहाँ पर जो है हमारे बेबी के कपड़े हो रहे रेडी, निदा ने बोली कि बेबी को आज हम लोग ब्लू कलर का ही पहनाएंगे, बेबी बॉय का कलर है ब्लू, ठीक है, तो यहाँ पर है गाइज ये वाला कपड़ा। निदा मुझे भी बोल रही थी कि तुम भी ब्लू क्यों नहीं पहने, क्योंकि मैंने बोला कि गाइज मुझे व्हाइट ज्यादा अच्छा लगता है तो मेरे ऊपर, यस तुम ट्विनिंग कर लेना बिंदास। क्या हो गया, भड़क गया? भड़क गया, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। और कौन से कलर्स हैं मम्मी बताओ, व्हाइट भी है, व्हाइट पहना नहीं चलेगा, मैं व्हाइट पहना हूँ, मैं स्मार्ट ही लगूंगा, फिर उसको भी पहना वो भी स्मार्ट लगेगा, माशाल्लाह व्हाइट पहना दो, व्हाइट पहना दो, हम दोनों सेम सेम पहनेंगे। कौन सा कलर पहनना है बेबी? Sorry. हमारे साथ हो गया है बहुत बुरा हादसा, यहाँ पर गाइस हम लोगों ने लगाए थे बलून, बट गाइस बलून पहले ही फूट गए नाम लगाने के और प्लान हो गया है चौपट। बट गाइस हम लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे क्योंकि हम लोगों को सेरेमनी करनी है नेम रिवील की, हम लोग इसका जुगाड़ बिठा रहे हैं, अभी निदा को पता नहीं है कि हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर फूट चुका है सब कुछ, उसको पता चलेगा तो गाइस थोड़ा हाइपर हो जाएगी, तो देखते हैं अभी आगे क्या होता है, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। फाइनली हमारा हो चुका है नुकसान गाइस, ये देखो हम लोग नाम का कुछ यहाँ पर कर रहे थे बट नाम की वजह से गाइस वो जो था वो फट गया, अब बचा है खाली ये, कहाँ गया ये गाइस, ये देखो ये था हमारा नाम का प्लानिंग, हम लोग सोचे थे कि इसको लगाएंगे और फिर हम लोग निकालेंगे, बट हो गया बहुत ही चौपट क्योंकि ये लगाने के बाद बलून जो है वो फट जा रहा है, तो हमें जेरोक्स लगानी पड़ी, बट निदा को ये भी नहीं पसंद आ रहा, तो अभी हम लोग इसको भी चेंज करेंगे, अब देखते हैं कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। और गाइस अरसलान भी आ चुके हैं यहाँ पर, आरती भी आ चुकी है, बोले हम लोग मिस नहीं करेंगे नेम सेरेमनी। बट गाइस उससे पहले हो चुका है और भी बुरा हादसा गाइस, और भी बुरा गाइस, ये देखो अंकल उससे भी बुरा हो चुका है, अंकल आ चुके हैं यहाँ पर, क्या बैसाखी पंडित क्या है ये, वॉकर वॉकर वो, हाँ यार सही नाम बोला वॉकर। गाइस अंकल का जो है वो पैर का लिगामेंट टेयर हो चुका है गाइस, और डॉक्टर ने लकड़ा बांधा नीचे, और अंकल के अभी बहुत मजबूत वाली क्लास ली, क्लास ली है आंटी ने, और अंकल वो वाली जगह आपके लिए फिक्स कर दो, वहाँ पर लिख देंगे हम लोग ओनली फॉर जैद अंकल, एक हफ्ता आपको कंप्लीट बेड रेस्ट करना है वरना ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। हाँ जैसे मैं बाहर निकली थी इसको पैदा करके, हाँ तो डड्डू क्या करते, चल चलो झाड़ू पोछा मार जल्दी ठीक होएगी, देख कैसा दिन में काला ने भाप के लिए काला रखी मस्ती में बोले थे, तो सीरियसली क्यों बोलेंगे आंटी, तुम तो यार आंटी फुल गुस्से में बोले खाली मौका दो मेरे को इनको बोलने का मेरे हाल, क्योंकि क्योंकि जेब में हाथ डाले झुकना नहीं पड़े ना, प्रेशर आएगा पैर पे, निकला होते बेचारा पैर और कंधा दोनों गया गया, मतलब पागल मोबाइल। बहुत रात हो चुकी है और ऑलमोस्ट गाइस 11:30 बज चुके हैं, तो हमें वो स्टिकर नहीं मिल पाया, तो हम लोग अभी इसी से काम चलाने वाले हैं गाइस, ये जो यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है कुछ और ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो अब देखते हैं यहाँ पर, मैं फैमिली को बुला लेता सबको यहाँ पर, सब जमा हो जाएंगे तो हम लोग कार्यक्रम शुरू करेंगे गाइस। फाइनली सब लोग आ चुके हैं यहाँ पर और सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आप लोगों को पता है, हाटो इस्लाम भाई एक सेकंड, अरे मामला मतलब इधर ही पिन मार के फोड़ना पड़ेगा अभी गाइस, ये रहे हमारे सारे नाम, ये 8 के 8 नाम है गाइस, और एक एक करके सब लोग फोड़ेंगे, तो गाइस सब लोग को
बता दो मैं क्या करना है। मम्मी आ जाओ जरा। आ चुके हैं सब लोग यहाँ पर, सब जमा हो चुके हैं एक एक करके। बोले कुछ तो यहाँ पर गेम होने वाला, और अंकल यहीं से आज पूरा गेम देखेंगे क्योंकि अंकल के पैर में लगा हुआ है। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को गेम बता दूं। तो गेम ऐसा है कि पिछले व्लॉग में आप सब लोगों ने कुछ कुछ नाम सजेस्ट किए थे, तो ठीक है हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों का दिल रखने के लिए हम लोग वो नाम जो है वो यहाँ पर लगा देते हैं। जो नाम जिसने सोचा था उसको जाके वो नाम फोड़ना है। अगर अंदर से कुछ व्हाइट कलर का निकला तो समझने का वो नाम हम लोगों ने नहीं रखे, ठीक है। और अगर दूसरे कलर का निकला तो मतलब बेबी का नाम वही है, समझ में आ गया। हाँ जो व्हाइट रहेगा वो नहीं है, तो सब ब्लैक ब्लैक नहीं है वो, तुम जाओगे तो हो जाएगा। तो गाइस आप सबको नाम याद है अपने अपने, ठीक है। चलो तो मैं बता दूं फिर से एक बार, जियान है मम्मी का, अजलान है किसका है, सॉरी अजलान तुम्हारा है क्या, तो जियान जियान अब्बा का, सॉरी गाइस मेरी गलती है, अजलान मेरा ही मैं भूल गया था। तो जियान मम्मी का है, अजलान मेरा है, जिलानी दानिश का है, आमिर आंटी का है, हैदर जो है वो अंकल का है, जोहान जो है वो निदा का है, फारिस जो है वो अब्बा का है, नौरेश जो है नौशीन का, और गाइस मेरा वाला नाम जो है वो फोड़ेगा अली, ठीक है। हाँ तो अली दो फोड़ेगा। चलो आ जाओ फिर एक एक करके सबको जाना, तो पहला कौन जाएगा, जो ऊपर है उसको जान देना। नहीं नहीं बीच में से, तो फिर बाकी नहीं गिर जाएगा, नहीं गिरेंगे, नहीं नहीं गिरेंगे, नहीं गिरेंगे, नहीं गिरेंगे, तुम ही चले जाओ पहले। आ जाओ तुम ही चले जाओ, मैं जाऊँ क्या, मेरा नहीं अली फोड़ेगा, चलो पहले अली जाएगा फिर, रुक जाओ। अगर व्हाइट कलर का निकला तो हम लोग चिल्लाएंगे और अगर ब्लू कलर का निकला तो हम चिल्लाएंगे ये कांग्रेचुलेशन फाइनली। तो चलो हम लोग एज वाइज जाएंगे, सबसे बड़ा कौन है, चलो अली ऊपर जाओ, पेन किधर है, चलो कमान, चलो कमान। सो गाइस पहला नाम अली फोड़ने जा रहा है, वन थ्री। अभी जियान वाले आ जाओ, चलो आ जाओ, चलो कमान, क्या लगता होगा कि नहीं होगा, दुआ करते हैं मेरा ही आ जाए। दादी का फर्स्ट पहले आ जाना चाहिए, दुआ करना आप लोग सर, 1 2 3। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बराबर है, सब कुछ बराबर है। अभी कौन आ रहा है, अभी अजलान, अजलान कमोन, रिपोर्ट दे, कमोन, चलो ऊपर वाला, ऊपर वाला, 3 2 1। चलो आ जाओ अभी, चिल्लानी आ जाओ, अली। ये नाम तो मैंने ब्लॉग में नहीं रखूंगा, भरोसा नहीं है कुछ भी। चलो चलो अभी आएगा आंटी, अच्छा आमिर भी वाली फोड़, अच्छा फोड़ो, चलो कमॉन, चलो 1 2 3। फाइनली अब तीन नाम बचे हैं, तीन नाम में से क्या नाम हो सकता है हमें भी नहीं पता है। ऊपर वाला निदा का, चलो मैं नीचे जाऊंगा, कम ऑन, चलो अभी अप्पा, चलो कम ऑन, 3 2 1। हाँ ये चलो हल्का सी, 3 2 1। सो गाइस फाइनली अब दो नाम बचे हैं, जो एक रखी थी नौशीन ने और एक रखी है निदा ने, तो अब देखते हैं दोनों में से कौन सा नाम है जो आने वाला है। तो चलो गाइस थोड़ा साइड में कर दूं मैं, और इसको बीच में ले, थोड़ी बड़ी जगह मिल जाए। हाँ चलो मेरे बाप का पैर देखना, छोड़ दो छोड़ दो, पिन हटो, पिन दूर रखो, चलो रेडी, तो नहीं पहले तू फोड़ दे, चल। सरप्राइज, आप लोगों को बहुत उम्मीद थी कि मेरे नाम कैसे देखते, मेरा नाम इन्होंने रखे है कि नहीं रखे, तो 1 2 3। अब आपको क्या लगता है नाम क्या होगा? नाम ये होगा कि आप लोगों के साथ प्रैंक होगा, क्या मतलब इसमें से कोई भी नाम नहीं हो और निकले कुछ और, हम लोग कुछ और नाम बता दे आप लोगों को, मुंह जबानी दिल थाम के बैठिए, ये है हमारा आखिरी राउंड, सो आर यू गाइस कैमरा रेडी, यस, ओह या। चलो गाइस शुरू करते हैं, ऑन द काउंट ऑफ 3 1 2 1। जोहान सुफियान, ब्रांड नेम रिवील
भी लाइए, जोर से चिल्ला, जोहान खुद चलते हुए आ जाएगा। जोहान आने वाला है, सो आर यू गाइस एक्साइटेड? चलो गाइस, चलो कम ऑन, जोहान 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 जोहान। तो गाइस फाइनली जोहान भी आ चुका है और इसका नाम से भी हम लोग पुकारेंगे। यस गाइस, ओनली जोहान, ओनली जोहान, चलो मुबारक हो, मुबारक हो। सो गाइस ये लोग सब जा रहे हैं बेबी का नाम रख के। चलो कांग्रेचुलेशंस दादा दादी फुप्पा फुप्पी को, चलो बाय, कांग्रेचुलेशंस गाइस, अल्लाह हाफिज। गाइस नाना कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेचुलेशंस बेबी का नाम हो गया जोहान। आंटी कांग्रेचुलेशंस, जोहान मुबारक हो, जोहान आमीन आमीन आमीन, आमीन आमीन आमीन। चलो मामू मुबारक जोहान, अरे थैंक यू, तू भी मुबारकबाद दे पगले। बताऊंगा हाँ, आप सबको बताना बेटा, ठीक है? चलो असलम भाई मुबारक हो आपको भी, चाचा मामा। मैं तो जब बड़ा हो जाएगा तब जेड नाम की टी-शर्ट पहनूंगा। तुम्हारा सर पे लिवाना जगह जाता है। सो गाइस फाइनली इस व्लॉग को अब यहीं पर एंड करते हैं। आप लोगों को नाम पता चल ही गया है हमारे बेबी का नाम क्या है, तो गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि हमारे बेबी का नाम कैसा लगा। और गाइस इस नाम का मतलब है गिफ्ट ऑफ गॉड, ठीक है, अल्लाह की तरफ से तोहफा। तो गाइस ये लिटरली हमारे लिए अल्लाह की तरफ से तोहफा है ये, तो हम लोगों ने इसका नाम रखे है जोहान। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोगों को नाम कैसा लगा। सो गाइस लव यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। अल्लाह हाफिज।